आपकी सिस्टर जो यूएस में है, जिनको 20वें श्लोक से बच्चा हुआ, वो भी पीएचडी करना चाह रही है। हाँ, वो बोल रही थी कि मंजू 20वें वर्षनी से पूछना कि मैं भी यहाँ यूएसए में रहकर ही पीएचडी कर सकती हूँ क्या। अच्छा। उसको भी पीएचडी करने का बड़ा मन है, और जब से बक्तावर पे उसको बिलीव इतना ज्यादा हो गया है, क्योंकि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, तो वो भी करना चाहती है। और मेरी भाभी भी बोल रही थी, जिनका भी बक्तावर से केस सॉल्व हुआ, कि मेरा भी बड़ा मन है पीएचडी करने का, तो मैं कर सकती हूँ क्या, आप पूछ के बता। उनका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ने तो एमए किया है, और जो सिस्टर मेरी यूएसए में, उसने एम फार्मेसी किया है। चलिए, दोनों काम, दोनों क्वालिफाई हैं, दोनों क्वालिफाई है, कर सकते हैं दोनों। नहीं, जो यूएसए में, उसने एमएससी किया है बायोटेक से, क्वालिफाई है दोनों, कर सकते दोनों कर सकते हैं। ममता जी, मनीषा जी, आप बता रहे हैं कि आप एक लंग आपकी श्रिंक हो चुकी है, और आप भक्तांबर पढ़ते हैं, तो आज डॉक्टर्स आश्चर्यजनक हैं कि ये जिंदा कैसे हैं, एक लंग पे इतनी चलती फिरती और इतनी एक्टिव कैसे। ये अभी की घटना है, दीपावली के पहले मैं 20 दिन पहले ही आना चाह रही थी, लेकिन मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करवाना पड़ा, क्योंकि मुझे ना 15 दिन से बिल्कुल फीवर आ रहा था और जा ही नहीं रहा था, कफ खांसी भी बहुत हो रहा था, मुझे मालूम नहीं थी मेरे अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर को चेक कराया, एक डॉक्टर के बाद दूसरी स्पेशलिस्ट को चेक कराया, तो उन्होंने कहा आपका जो एक्सरे में एक लंग्स तो बिल्कुल आया ही नहीं है, समझ में निपट गया वो। बोले आपको काफी टाइम से प्रॉब्लम है, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने, मेरे को कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो वो डॉक्टर खुद बोला कि ये तो ईश्वरीय कृपा है कि आप खड़ी हैं और इतनी एक्टिव रहती हैं। तो ये मतलब भक्तांबर से ही संभव हुआ है, मेरे धार्मिक, मेरे धर्म की एक बार श्रद्धा से ही संभव हुआ है कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा एक लंग्स बिल्कुल श्रिंक हो चुका है, वो मिसप्लेस भी हो चुका है, ट्रेकिया भी मिसप्लेस हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर कह रहा हो सकता है सही हो सकता है ना भी हो, लेकिन दूसरे लंग्स को बचा के रखना है। मैं कहती हूँ ये भक्तांबर से मेरा सही हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप इतने मतलब श्रद्धा से बेटी के लिए करा, फिर आप सबको बता भी रहे हैं, इतना प्रभाव ना आप कर रहे हो भक्तांबर के, तो वो निश्चित है कि आपको भी ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा, मुझे पूरा विश्वास है। तो मनीषा जी, डॉक्टर को नहीं है, लेकिन मुझे है कि हाँ ये मेरा सही हो जाएगा। आप मनीषा जी, आप साल भर से सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए भक्तांबर पढ़ते? जी हाँ, मेरा नियम है, मैं पानी भी तभी पीती हूँ जब मैं डेली भक्तांबर पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले उठ के मैं, हाँ, एक साल से मेरा ही 1 अप्रैल को ही मैंने ये नियम ले लिया था जब आप ग्वालियर आए थे, कि मैं पानी भी तब पीऊंगी जब पहले मैं भक्तांबर पढ़ लूंगी। तो उठते से ही मैं सबसे पहले भक्तांबर पढ़ती हूँ, सामायिक करती हूँ, ध्यान करती हूँ, योगा करती हूँ, पूरा 1 घंटा देती हूँ इसमें, फिर उसके बाद किचन में जाती हूँ, पानी पीती हूँ। बहुत बहुत।